तीरथ सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं अपने लोकसभा क्षेत्र गढ़वाल के NH 121 पौड़ी से लेकर के और बुआखाल, पावो, थैलीसैंड, बैजरो, बीरोंखाल, रामनगर तक के विस्तारीकरण के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी का। शून्य काल में अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 121 रामनगर से मरचूला, बीरोखाल, बैजरो, थलीसैन, सलोधार, त्रिपालीसैन, पैठानी, भरसार, पाबो, बुआखाल लगभग 200 किलोमीटर के चौड़ीकरण और विस्तारीकरण करने की मांग की तीरथ सिंह रावत, सांसद पौड़ी गढ़वाल ने। तीरथ सिंह रावत, सांसद पौड़ी गढ़वाल संसद में जोर देकर कर रहे हैं, लेकिन जनाब, जो पहले से ही ऑल वेदर सड़क निर्माण कार्य आपके प्रदेश में चल रहा है, जरा उस पर भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि ये ऑल वेदर सड़क का जो कार्य चल रहा है, इसके वजह से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। कहीं लोगों को अपने घरों से हाथ धोना पड़ा तो कहीं और भी ज्यादा माल का नुकसान लोगों को झेलना पड़ा। और अब कल का ही मामला देख लीजिए, नंदप्रयाग में आपके इसी ऑल वेदर की सड़क के कटान की वजह से कल एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वो तो गनीमत मानो कि किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ, बाकी माल का नुकसान तो बहुत हुआ। गाड़ियां दब गई, घर तबाह हो गए, और अब इससे ज्यादा परेशानी और क्या होगी। जिनके घर तबाह हो गए, गाड़ियां दब गई, अब उनके मुआवजे के लिए वो चक्कर काटेंगे, और मुआवजा क्या उनकी इच्छा अनुसार मिलेगा या नहीं, इस पर भी हमेशा प्रश्न चिन्ह ही रहता है। खैर, पेड़ों की तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि उन पर तो ऐसी आरी चली जैसे ना तो इससे पहले कभी देश के इतिहास में चली और ना ही शायद आगे चलने की उम्मीद है। NGT के मानकों का तो आपको पता ही है कि कितना पालन हुआ। खैर, आप बनवाइए और चौड़ीकरण करवाइए उस हाईवे का, अगर सरकार आपकी बात मानती है तो। लेकिन ध्यान रहे कि कुछ भी करवाओ, हमारे जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए फिलहाल ऑल वेदर सड़क निर्माण के कार्य बहुत है। इस रोड का पूरा विस्तारीकरण, 200 लगभग किलोमीटर रोड है, सड़क है, आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से कहना है कि इस पे तत्काल कार्रवाई हो, ऐसा मेरा निवेदन है। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ TV, खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।